कोरोना संक्रमण का भयावह रूप इस समय देखने के लिए मिल रहा है और इस वक्त भोपाल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल मेरे साथ हैं, जो पिछले 2 महीने से लगातार कोविड पेशेंट से जूझ रहे हैं, कुछ को ठीक कर रहे हैं, कुछ लोगों को चाहने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं बचा पा रहे हैं। एक बहुत विषम परिस्थिति का सामना डॉक्टर्स को भी करना पड़ रहा है। पालीवाल साहब, क्या सोचा था आपने कभी कि इतना भयावह दौर आएगा एकदम से? देखिए, जीवन के 60 वर्ष के पड़ाव में यदि मैं अपने जीवन के अपने अनुभव की बात करूं, तो मैंने इतनी दयनीय और इतनी विभत्स परिस्थितियां, इतनी खतरनाक परिस्थितियां और इतनी ऐसी परिस्थितियां जिसमें चिकित्सक स्वयं भी इलाज के दौरान कई बार एक सीमा पर तक जाने के बाद अपने आप को असहाय महसूस करता है कि क्या करें, क्या न करें, कैसे बचाएँ। पूरी ताकत लगाने के बावजूद, सारे साधन लगाने के बावजूद जब हम जवान मरीजों को नहीं बचा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर परिजनों की आँखों में तो आंसू होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी मन उस परिवार के टूटने से या किसी की मृत्यु से द्रवित जरूर हो जाता है। जेपी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल नहीं था, बाद में ये कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, तो शुरू में लगा था कि आपको एक सामान्य इलाज करते रहेंगे या अचानक ही मौतों का दौर, भयावह स्थिति, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर का ना मिलना? देखिए, यदि अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के निर्माण के समय हमने इसमें अधिकतम सीमा और क्षमता के साथ ऑक्सीजन पॉइंट्स और सब कुछ रखे थे, लेकिन जो अधिकतम हमने अतिरिक्ततम जो रखे थे वो भी इस मतलब इन परिस्थितियों में कम पड़ गए और हमें अलग अलग बहुत सारा सिलेंडर लगाकर लोगों का इलाज करना पड़ रहा है और करते रहे और कर रहे हैं। और कभी भी हमने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा भी कोई समय आएगा जब हम खुद अपने आप को किसी भी परिस्थिति में जाने के बाद अपने आप को अपर्याप्त और इतने मरीजों की भीड़ के लिए कहीं ना कहीं हमारा अमला या हमारी जो सेवाएँ हैं, कहीं ना कहीं हम उनको बहुत कुछ करने के बावजूद भी जो करके देना चाहते थे प्रत्यक्ष, और मैं समझता हूँ कि ईमानदार मन से भी बात करूँ तो जो हम देना चाहते थे वो कई लोगों की उपस्थिति के कारण, कई लोगों के जान बचाने के कारण हम उनको, चाहे हमारे मन की बातें हों, चाहे हम उनको हमारे सुख सुविधाएँ हों, उनको उस स्तर तक तो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ यह जरूर है कि इलाज पर हमारी चौकस निगरानी रही कि इलाज में किसी भी प्रकार की दक्षता या क्षमता में या किसी भी प्रकार की उसके इलाज के तौर तरीकों में किसी भी प्रकार की दवाइयों को और साधन को लेकर जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध नहीं मैं उसकी बात नहीं करूँ, उसमें कोई कमी ना आए। एक बड़ा खतरा ये था कि जब चिकित्सक खुद या आपका जो सहयोगी है पैरामेडिकल स्टाफ हम जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी एक खतरा रहता है लगातार कि कहीं वो कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, तो ऐसे में पूरे अस्पताल का जो सिस्टम है वो बैठ सकता है अगर अस्पताल के लोग ही बीमार पड़ने लगे, तो उसके लिए क्या एहतियात बरती? देखिए, मैं 3 इसके अलग अलग कारण बताता हूँ। एक तो ये है कि परिवार में भय, कई कर्मचारियों ने अपने परिवार के दबाव में भय के कारण, छोटे बच्चों के भय के कारण, बूढ़े माता पिता के भय के कारण कई कर्मचारियों ने काम, जब कोरोना आया तो काम छोड़ दिया था। ऐसी परिस्थिति में हमने भी उनके दिल दिमाग को, मन मस्तिष्क को समझते हुए सोचा कि ठीक है, यदि छोड़ रहे कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर एक अमला उसमें छोटा हुआ। दूसरा, जब हमारे पास मुट्ठी भर कर्मचारी बचे और हमारा अमला बचा, चिकित्साकर्मी बचे, तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा दबाव यह था कि इनमें से किसी की भी किसी भी परिस्थिति में सेहत ख़राब ना हो। 15 महीने से हम कोविड का इलाज कर रहे हैं, 2 महीने से स्थितियां बड़ी भीषण हैं। मैं लगातार पिछले मार्च से मेरे सारे कर्मचारियों, मेरे सारे अधिकारियों, मेरे सारे चिकित्सकों और मेरे समेत सबको प्रत्येक रविवार HCQS टेबलेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट 400 mg प्रत्येक रविवार वो देता हूँ, और साथ में विटामिन डी का जो वीकली टेबलेट होता है वो देता हूँ। मेरा अनुभव, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरा निजी अनुभव HCQS और विटामिन डी को लेकर यह है कि मेरे पिछले 15 माह के कार्यकाल में या चिकित्सा सेवा में पालीवाल हॉस्पिटल में एक भी कर्मचारी या चिकित्सक कोविड से प्रभावित नहीं हुआ, एक ही कारण। दूसरा, उनको पर्याप्त सुरक्षा के ट्रेनिंग दी जाती है, बार बार उनको टोका जाता है, छोटी छोटी बात पर उनको बोला जाता है, उनके सुख दुख और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, और उनके लिए जो जो सुरक्षा के साधन हैं उनको मानकों के अनुरूप उनको देने का पूरा प्रयास किया जाता है। 1.5-1.75 साल में हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ, यह मैं समझता हूँ कि पालीवाल हॉस्पिटल की या मेरी या इस अस्पताल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये रेमडेसिविर की जब कमी का दौर आया, ऑक्सीजन की कमी का दौर आया, तो उससे आपको भी जूझना पड़ा? पहले ऑक्सीजन की कमी का दौर आया, निश्चित तौर पर उस वक्त की परिस्थितियाँ रहती थी कि रात को 2 बजे भी कई बार हमको ऑक्सीजन को लेकर चिंतित होना पड़ा। कई रातें हम निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर सो नहीं पाए। शासन की तरफ से भी भरपूर प्रयास किए जाते थे, लेकिन अचानक आई इस मुसीबत के मंजर में शासन के जो प्रयास शासन करती थी 4 दिन बाद वो फिर छोटे पड़ते थे, फिर जो प्रयास शासन करती थी
चार दिन बाद वो फिर छोटे पड़ जाते थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ, लगभग ऐसी भीषण परिस्थितियाँ लगभग डेढ़ माह तक चली। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि चाहे हमारे प्रयास हों या शासकीय अधिकारियों का दायित्व हो या शासन की पैनी निगाहें हों या माननीय कलेक्टर साहब का अपना दायित्व निर्वहन हो, मेरे अस्पताल में तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। लेकिन उसके लिए हमने भी कई कई रातों तक दौड़ भाग की, सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया। आज हमें सुकून है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में किसी की भी जान नहीं गई। एक रेमडेसिविर की बड़ी कमी आई, क्या रेमडेसिविर क्या आखिरी उपाय है कोरोना पेशेंट्स के लिए? देखिए, रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा जो मेरे अपने मेरे चिकित्सकों के अनुभव है, मेरी टीम के अनुभव, हमारी टीम के डॉक्टरों के अनुभव है, एक रेमडेसिविर जिस व्यक्ति में लगना चाहिए, यदि उसमें लग जाता है तो निश्चित तौर पर वो सुरक्षित हो जाता है। सारे मरीजों को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डर के कारण और भय के कारण कई लोगों ने रेमडेसिविर को अपने घर में रखना शुरू किया, मार्केट से उस चक्कर में रेमडेसिविर गायब हुआ। इन सब कारणों से भी मैं समझता हूँ कि रेमडेसिविर की जो तत्कालीन कमियाँ थी उसके कई कारण हैं, वो मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक प्रश्न है। लेकिन चिकित्सीय प्रश्न के मामले में यही कहूँगा कि रेमडेसिविर में यदि व्यक्ति का या रोगी का सिलेक्शन सही है तो निश्चित तौर पर रेमडेसिविर एक प्रभावी दवाई के रूप में हमारे अनुभव में सामने आई है। अस्पताल ये शहरी क्षेत्र में है, भोपाल में है, तो अभी स्थिति क्या है कोविड को? शहरी स्थिति में तो लॉकडाउन के बाद और सरकार की शक्ति के बाद मैं समझता हूँ, या तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, फिर उसके पहले मुग़लों का गुलाम रहा है। निश्चित तौर पर जब ये बहुत ज़्यादा फैला था तब मैं हर बार यही बोलता था कि सिर्फ चिकित्सक ही इससे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पुलिस का डंडा भी चाहिए। और देखिए वही चीज़ सच निकली, पुलिस के डंडे के कारण हमारे प्रयास अपनी जगह, हमारे प्रयास, हमारा हमला अपर्याप्त है, चिकित्सा हमला पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपर्याप्त है। पुलिस के डंडे ने ही इसको, पुलिस से सख्ती ने ही इसको कंट्रोल में किया, मैं बिल्कुल खुले दिल से बात स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो शासन प्रशासन ने तैयारी की, पुलिस ने जो सख्ती की, उसका असर है कि कोविड कंट्रोल होना शुरू हुआ है। लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं अभी, वहाँ से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आपके पास भी इस तरह की सूचनाएं हैं आपके ग्रामीण इलाके के जो पेशेंट्स हैं के गांव में स्थितियां कोरोना से बहुत ख़राब हो रही हैं? अगली चिंता का मैं समझता हूँ कोना वही है कि ग्रामीण क्षेत्र को शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और मुझे दिख भी रहा है कि शासन का बहुत पैनी निगाह ग्रामीण क्षेत्र की तरफ है। लेकिन जो अमला, जो स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो निश्चित तौर पर अभी तक अपर्याप्त रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें 70 वर्ष हो गए, लेकिन 70 वर्षों में हम मूलभूत सुविधाओं में, चिकित्सा सुविधाओं को उतना पर्याप्त नहीं कर पाए कि मुसीबत के समय वो हर पल, हर जगह, हर दरवाजे, हर व्यक्ति, हर दस्तक को मिल जाए, हर व्यक्ति को मिल जाए, हर सांस, हर व्यक्ति की उखड़ती हुई सांस को कुछ न कुछ। होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, यहाँ आपके बहुत पेशेंट आते हैं, तो इन इलाकों में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं आपके? ग्रामीण क्षेत्रों की यदि मैं बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो फिलहाल जो देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है, मैं तो नहीं गया, लेकिन जो लोग आके बताते हैं, देखने में आ रही, सुनने में आ रही, जानने में आ रही, जिस तरह के रोगी आ रहे हैं, एक तो रोगी वहाँ से बहुत गंभीर होकर आते हैं, क्या कारण है मैं नहीं जानता, इलाज का अभाव हो सकता है, या मैं समझता हूँ कि उनका वेटिंग हो सकता है, या शहर में आना भय कारण हो सकता है, या हो सकता है आर्थिक स्थिति भी कि इसमें खर्च बहुत होगा, कई कारण हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से इन दिनों पेशेंट आ रहे हैं, या तो वो भयग्रस्त होने के कारण बहुत जल्दी आ रहे हैं, या फिर कई तथ्यों के तहत, कई कारणों के चलते वो बहुत लेट आ रहे हैं, दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति मेरी निगाह में तो किसी हद तक थोड़ी चिंता का विषय तो है। शहरों में कोरोना संभल रहा है, लेकिन गांव जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहाँ कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, ये एक कड़वी सच्चाई है, जिसके लिए शासन प्रशासन सरकार हर स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। चिकित्सक अपना काम करते रहते हैं, इसी बीच में एक कोरोना की तीसरी वेव की चर्चा शुरू हुई कि साहब तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों को टारगेट करेगी, इस तरह की बातें आई। देखिए, इस दूसरी वेव में एक बहुत बड़ी मुसीबत तो ब्लैक फंगस है। पालीवाल हॉस्पिटल की बात करूँ तो आज मेरे पास 7 ब्लैक फंगस के पेशेंट एडमिट हैं। तो जो ब्लैक फंगस, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। निश्चित तौर पर तीसरी वेव की संभावना और आशंकाएँ जो चिकित्सीय आधार पर निकाली जा रही, वो सामने है और दिखाई भी देता है। मैं इस सप्ताह में 7 छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिनमें मुझे शंका थी, प्रबल आशंका थी कि इनको कोविड होगा, उन्हें देख चुका हूँ। हालांकि वो सब ठीक हुए, लेकिन कोविड था क्या उनको? नहीं, कोविड के उन्होंने, उनके परिवार को जब हमने जांच का बोला तो कुछ लोगों ने तो ये कहकर मना कर दिया कि सर अभी 1-2 दिन दवाई देख लें, नहीं तो हमारे घर में हमारी दादी नानी या हमारे बड़े बुजुर्ग, इन लोगों में भय हो जाएगा। और उन बच्चों को दवाइयाँ भी दी, बच्चे ठीक भी हुए, 2 का एंटीजन टेस्ट कराया तो पॉजिटिव भी आया। निश्चित तौर पर इस आशंका की के बलवान होने की संभावनाएँ ज़्यादा दिखाई दे रही। साथ ही अभी भी यदि हम कोविड की बात करें तो कोविड अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रित हुआ है,
लेकिन लोगों के मन ने नियंत्रित नहीं किया है, पुलिस के डंडे ने मजबूरी ने नियंत्रित किया है। मन को नियंत्रित करें तभी जाकर कोरोना नियंत्रित होगा, लोगों के पुलिस का डंडा कब तक चलेगा। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस की आपने बात की, ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या, ये कोई नई बीमारी तो है नहीं? ब्लैक फंगस बेसिकली क्या होता है, खासकर पौधों में पाई जाने वाली या टॉयलेट्स में पाई जाने वाली या गंदगी में पाई जाने वाली एक एल्गी, एक फंगस है। जैसे सामान्य तौर पर एक सफ़ेद फंगस होता है जो किसी को भी कभी भी हो जाता है, डायबिटीज़ के रोगियों में ज़्यादा होता है, लेकिन जो ब्लैक फंगस होता है वो रेयर है, मनुष्यों में वो बहुत कम पाया जाता है। लेकिन कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान जब उसकी क्षमता योग्य, उसकी शरीर की क्षमता कम हो जाती है, साथ में डायबिटीज़ हो और उसकी यदि किसी भी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो सबसे पहले ये नाक के अंदर आक्रमण करता है, वहाँ से आँख में जाता है, वहाँ से मस्तिष्क के इर्द गिर्द जाता है और ये बेहद ख़तरनाक होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ब्लैक फंगस बहुत बड़ा पहलू है जो आने वाले कल में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ब्लैक फंगस भी अभी एक चुनौती बना हुआ है। ब्लैक फंगस इस वक्त हम लोगों के लिए चिंता की सबसे बड़ी लकीर, सबसे बड़ी चुनौती और इस वक्त हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। एक चीज़ और डॉक्टर साहब देखी कि जो पेशेंट कोरोना से ठीक हुए हैं उसके बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सामने आ रही है और तमाम किसी को दर्द है, किसी को अटैक पड़ रहा है और कई जानी मानी हस्तियों का इसके बाद निधन भी हुआ हार्ट अटैक से, आम लोगों का भी निधन हुआ, तो कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? देखिए, यदि कोविड का यदि हम हार्ट अटैक वाला कारण माने तो मैं बस समझता हूँ कि कोविड अकेला इसके लिए कारण नहीं है, कई फैक्टर होते हैं। सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक पक्ष हो सकता है, पारिवारिक पक्ष हो सकता है, व्यक्ति का चिकित्सा के कारण या उसके शरीर की क्षमता कम होने के कारण उसकी चिंता वाला पक्ष हो सकता है, उसके रोजगार कारोबार वाला आर्थिक पक्ष भी हो सकता है, बच्चों की भविष्य का प्रश्न हो सकता है, घर के चलाने का प्रश्न हो सकता है। इन सब परिस्थितियों में जब व्यक्ति घिरता है तो कहीं ना कहीं उसकी चिंता का स्तर बहुत ऊपर जाता है। अकेला कोरोना नहीं, कोरोना के कारण निकलने वाले सामाजिक चीज़ें, कोरोना के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक स्थितियाँ, कोरोना के कारण उत्पन्न हुई पारिवारिक समस्याएं भी, जो भी कहा जा रहा है कि जिनको रेमडेसिविर लगे हैं उन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा आ रही है। मैंने मेरे यदि मैं अपने निजी अनुभव की बात करूँ तो पालीवाल हॉस्पिटल में पिछले 15 महीनों में मैं समझता हूँ कि हमने कम से कम नहीं तो 3,000 लोगों को रेमडेसिविर दिए होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ पर पलट कर नहीं आया कि घर छुट्टी होने के बाद उसको हृदय की परेशानी, हार्ट अटैक हो और उसकी मृत्यु होने के बाद यहाँ आया हो। इसके लिए अकेला एकमात्र कारण नहीं है, सामाजिक सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, इन भ्रांतियों से दूर रहें, चिकित्सक की सलाह लें, सही चिकित्सक की सलाह लें, अनुभवी चिकित्सक की सलाह लें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपना निर्णय लें, ना कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों का आधार बनाएं। एक चीज़ और देखने में आती है डॉक्टर साहब कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब सामान्य तौर पर लोग चिकित्सक के पास जाते हैं, मास्क लोग बीच में भूल गए थे जब स्थितियाँ सुधरी पहले दौर के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भूल गए थे, तो ये कहीं कारण बनते हैं क्या एक वेव को पैदा करने के लिए? देखिए, मैं इसमें दो महत्वपूर्ण कारण मानूंगा। पहला एक महत्वपूर्ण कारण तो ये कि मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने होम क्वारंटीन की सेल्फ डेफिनेशन, स्वयं व्याख्या की, होम क्वारंटीन किसे होना है किसे नहीं होना ये चिकित्सक का निर्णय होना चाहिए, स्वयं निर्णय नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा कारण है। लोगों ने स्वतः अपने आप को होम क्वारंटीन किया किसी भी परिस्थिति में, और होम क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये देखा कि हम घर के अंदर घुस जाएं ठीक हो जाएंगे, इस कारण भी बहुत परिस्थितियाँ विपरीत हुई। दूसरा, ये इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, कई लोग बहुत ख़राब हालात में आते हैं, कई बार चिकित्सकों की राय नहीं मानते हैं और यदि उनको बोलो कि इसमें आपको भर्ती होने की ज़रूरत है तो वे ये बोलते हैं कि मैं घर में विचार करके आता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, फार्मूला ऑफ सिक्स सब पालन करें, 6 इंच का मास्क, 6 इंच की सैनिटाइज़र की शीशी आपको और 6 फिट की दूरी आपको, 6 फिट की कब्र से, 6 फिट की चिता शमशान से और 6 फिट के कफन से बचाएगी। फार्मूला ऑफ सिक्स का सबको पालन करना पड़ेगा और ये फार्मूला ऑफ सिक्स कम से कम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको सबको, हम सबको पालन करना पड़ेगा यदि हमें बचना है तो। फार्मूला ऑफ सिक्स याद रखें, बहुत सरल है, सुरक्षित रहें। ये थे डॉक्टर GP पालीवाल, जिन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि पुलिस को ना बताना पड़े कि हमें घरों में रहना है, हमें लॉकडाउन का पालन करना है, और दूसरी बात उन्होंने की फार्मूला सिक्स की कि 6 फिट की दूरी, 6 इंच की एक शीशी में आपके पास सैनिटाइज़र हो, 6 इंच का मास्क कम से कम आपके चेहरे पे हो, तो अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम खुद भी कोरोना से बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के पीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।